लव यू जिंदगी। आज का दिन है 12वां और आज आप जब मांगेंगे तभी आपको मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने मुझे कहा है कि मुझे ये वीडियो चाहिए, आप मुझे भेजिए, तभी मैं आपको भेज रही हूँ। सिंपल है ना। स्टीव वॉन्डर कहते हैं, इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। जब एक छोटा बच्चा होता है जिसे बोलना भी नहीं आता है, तब उसकी माँ उसे तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है, यानी कि वो मांग रहा है तभी उसे दूध पीने को भी मिल रहा है। यही चीज मैंने काफी समय बाद सीखी जब मेरा मास्टर्स पूरा हुआ और मैंने जॉब करना शुरू किया। मेरा बर्थडे था और उस दिन मैं ऑफिस में काम करने के लिए चली गई। मेरे बॉस ने कहा, जब मेरे बॉस ने ये बात पता चली तो उन्होंने डेफिनेटली मुझे विश किया और फिर उन्होंने मुझे छुट्टी भी दी और उन्होंने कहा कि यू एंजॉय योर डे। बट उन्होंने कहा कि श्रुति, आपने अगर छुट्टी मांगी होती तो शायद हम आपको पहले ही छुट्टी दे देते, आपको ऑफिस आना ही नहीं पड़ता। इसका मतलब कि अगर मैंने मांगा होता तो मुझे मिल जाता। आपको सब कुछ अपने आप थाल में सजाकर नहीं मिलता है, उसके लिए आपको मांगना पड़ता है। फिर भले ही वो छुट्टी हो, आपकी सैलरी में आपका रेज हो, या फिर आपको प्रमोशन चाहिए, या फिर आपको डिस्काउंट चाहिए, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको मांगना होता है। हम लोग जब छोटे थे, हम लोग हमेशा दिन भर कुछ ना कुछ जो चाहिए वो बिंदास मांगते रहते थे सब लोगों से, कोई अनजान हो तो भी, कोई जान पहचान वाला हो तो भी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारे मन में संकोच आ गया, हमें लगा कि शायद मांगना अच्छा नहीं लगेगा, और फिर हमने मांगना बंद कर दिया और उसका रिजल्ट हमें मिलना भी बंद हो गया। इट्स क्वाइट इजी, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू आस्क इफ यू वॉन्ट, राइट? द रियालिटी ऑफ कोर्स इज कि अगर आप मांगेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप अपना काम करते जाए और आपको लगेगा कि वो आपकी मेहनत देख रहे हैं और आपका काम देखकर, आपकी मेहनत देखकर शायद अपने आप आपको रेज मिल जाए, अपने आप आपको प्रमोशन मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन उसमें से कुछ ही लोग मांगते हैं और जो लोग मांगते हैं उन्हें वो मिल जाता है। स्टीव जॉब्स, अननोन रेनाउंड, उन्होंने अपने शुरुआती के इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको कुछ चाहिए, भले ही वो एक एडवाइस हो, लोन हो, हॉलीडे हो, कुछ भी, आप जब तक किसी उस मांगने की चीज के बारे में ना सुन ले, आपको उसे मांगते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली। अगर पहली बार आपकी बात अनसुनी कही जाए, फिर से सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, क्योंकि अभी तक आपको नो नहीं मिला है और इसका मतलब है उस चांसेस है कि आपको यस मिल जाए, हाँ मिल जाए उस आपके सवाल के बारे में। मेरे हस्बैंड कोचिंग करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और वो उनकी कई सारी पेजेस पर अपडेशंस होती हैं और उसके बाद उनको कई इंक्वायरीज आती हैं, उन लोगों से वो बात करते हैं। और जब किसी लोग ने इंटरेस्ट बताया है तो फिर वो उनसे बार बार, जब तक उनसे फाइनल आंसर नहीं मिलता है, ही कीप कॉलिंग एंड ही आस्क लाइक, सर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सर आप इंटरेस्टेड होंगे, सर आप इस तरीके का कोर्स के लिए आपने इंक्वायर किया था। कई बार लोग उनका कॉल पोस्टपोन करते हैं, बट वो वहां रुकते नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे अभी तक उन्होंने नो नहीं कहा है। वो उन क्लाइंट को भी कहते हैं, सर आप मुझे एक बार नहीं बोल दीजिए, मैं आपको कभी डबल फोन नहीं करूंगा। लेकिन जब तक उन्होंने नहीं कहा है, देयर इज ह्यूज चांस ऑफ गेटिंग यस। हो सकता है कुछ समय बाद ही से, लेकिन देयर इज स्टिल होप ऑफ गेटिंग यस। सो आस्क एंड रिसीव। वायन डायर सेज, वी आर डिवाइन इनफ टू आस्क एंड वी आर इम्पोर्टेंट इनफ टू रिसीव।